नल बिगड़ गया है और गंदा पानी रहता है, पीला आता है, जाते हैं दूसरे जगह पानी पीने और वहाँ पे भगाते हैं। जो हमारे यहाँ ये हैंडपंप लगा हुआ है, बहुत करीब मुझे 10 महीने हो गया यहाँ पे नियुक्त हुए, और पानी बहुत गंदा आ रहा है, पीने में खारा है और काला कचरा के साथ आ रहा है, बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। समस्या यह होता है दूषित जल है, अगर बच्चे पिए उसको ग्रहण करेंगे तो उनके स्वास्थ्य पे भी नुकसान पड़ेगा। इसके लिए आपने बनवाने कोई प्रयास किया आपने? हाँ, हमने प्रयास किया। इसके पहले जो इंचार्ज है प्रधान अध्यापक थे, वो भी काफ़ी प्रयास किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भदोही जनपद सुनिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बदलीपुर में हैंडपम्प का पानी प्रदूषित था, जिस पर मैंने भी इस महीना पहले एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को जागरूक व संगठित करते हुए उनके सहयोग से मैं समस्या पर बदलाव ला पाया। नल की समस्या था, पहले हम के नल पे नल में पानी गंदा दे रहा था। हम लोग जा रहे थे बाहर पानी पीने के लिए तो सब लोग बुला रहे थे, इसलिए नल भी बन गया और टॉयलेट भी संडास भी बन गया और दीवार वाल कुल बन गया था। अब हम लोग को अच्छा है। तो आप पिछली बार आए थे एक वीडियो रिकॉर्डिंग में, जो वीडियो बनाए थे, आपका प्रयास, फिर हमारे ग्राम प्रधान का प्रयास, और फिर हम अपने विभाग में इसकी सूचना दिए तो हमारा विभाग भी प्रयासरत हुआ, और इन सब प्रयासों की वजह से हमारा एक समस्या की वजह से हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। जैसे हमारे विद्यालय का बाउंड्री वाल हो गया और शौचालय हो गया और हैंडपाइप लग गया, हैंडपाइप में समरसेबल डाल दिया गया। तो ऐसे एक समस्या की वजह से हमारे विद्यालय की सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार समुदाय की समस्याओं पर वीडियो बनाकर उनके सहयोग से बदलाव लाता रहूं। मैं अनिल कुमार, भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।